हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यदवंशी ब्लॉग 0304 चैनल पर। और एक बहुत सी अच्छी चीज़ बनाना आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कुछ लोगों को नहीं आता है और कुछ लोग तो बहुत परफेक्ट होते हैं इसको बनाने में। तो देख रहे होंगे आप, समझ गए होंगे। तो ये चिप्स की रेसिपी, जो नवरात्र भी आ रहे हैं और होली भी आ रही है, तो उसमें सब के घर में बनती है, हर कोई बनाता है इसको। तो आज उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये है चिप्स, तो इसकी इतनी परफेक्ट रेसिपी आज आप लोग को बताएंगे कि आपके चिप्स बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, ना काली पड़ेंगी और ना बहुत ज़्यादा उबल जाएंगी। इतनी अच्छी रेसिपी आज आप लोग को शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे ज़रूर बने रहें और देखें किस तरीके से ये बनाई है, कितनी सफ़ेद भी हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ज़रूर बटन प्रेस करें, ताकि जब नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। आप उस वीडियो को देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप उसको घर में ट्राई भी करें। तो आ जाइए मेरी किचन में, आपको बताते हैं घर में किस तरीके से एक हेल्दी सी, अच्छी सी, साफ़ सुथरी चिप्स बना सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो ये मेरे पास है आलू, और 1 से 2 किलो या 1.5 किलो होगा, पता कितना है अंदाज़ से ही निकाले थे। और वैसे भी इसमें कोई मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं है कि कितने किलो आलू चाहिए, कितना चाहिए। आपको जितने भी बनाने आप उस हिसाब से आलू लें, और पहले थोड़ी बना के देखें। और ये पंखे में सूखेंगे, पंखे में बनेंगी, आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं है ये चिप्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए, आलू को पहले छील डालेंगे, सारे आलू को छील लेंगे और अच्छे से छीला। ये चिप्स बनाने के लिए थोड़े बड़े साइज़ के आलू लें, बहुत छोटे रहेंगे ना तो बहुत छोटी छोटी सी बनेंगी। अगर आपको छोटी बनानी है बच्चों के लिए, तो आप छोटे भी बना सकते हैं कि एक बाइट में एक चिप्स खा लें, तो आप छोटे भी बना सकते हैं छोटे आलुओं से। लेकिन ये थोड़े बड़े आलू काटने में और उसमें थोड़ा आराम रहता है। तो इस तरीके से देखिए, सारे आलू छील लेंगे और छील के एक पानी में डालते जाएंगे, ताकि काले ना पड़े, क्योंकि तुरंत काले पड़ते हैं, सभी को पता है। तो और एक बर्तन में लिया है पानी, तो ये देखिए थोड़ा पानी लिया है। आपके पास जितना बड़ा बर्तन हो उस हिसाब से लीजिए। हमको इतने ही आलू की अभी बनानी है, तो इतने ही आलू की बना रहे हैं, तो छोटे बर्तन में हो जाएगा। और एक चिप्स काटने वाली मशीन, जिसे हम लोग चिप्स कसते हैं या काटते हैं, कसना भी बोलते हैं, काटना भी बोलते हैं, और उस मशीन से प्लेन वाला वो कटर लगाएंगे। इसमें कई तरीके के कटर आते हैं, लेकिन हमें प्लेन वेफर्स बनाने, तो प्लेन कटर लगाएंगे। देखिए कितनी बारीक और पतली सी कटी है, तो ऐसे ही पतली पतली सारे आलुओं को की चिप्स काट लेंगे, मतलब चिप्स घिस लेंगे, कस लेंगे, कई वर्ड यूज़ होते हैं, तो आप जो भी बोलते हो। तो इस तरीके से देखिए कट कर लेंगे सारे चिप्स, और पानी में ही कट करेंगे और ऐसे नहीं कट करेंगे। और अगर ऐसे भी कट करेंगे एक बर्तन में, तो तुरंत नहीं उठा के पानी में डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी जैसे हो जाएंगी, ताकि वो काली ना पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी काली पड़ती है तो फिर चिप्स काली हो जाएंगी, बाद में आप कितना भी धोएंगे वो वाइट नहीं होंगी। तो ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक सी, कितनी पतली पतली सी तैयार हुई हैं। जितनी पतली रहेंगी उतनी अच्छी लगती हैं, उतनी जल्दी सूख भी जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए निकाल लिया है सारी कट करके, और 2 से 3 पानी धो लेंगे, जब तक एक वाइटपन ख़त्म ना हो जाए। बार बार धोएंगे, जब उसकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी, पानी बिल्कुल साफ़ निकलने लगेगा, तब तक धोएंगे, चाहे भले ही हमें 3-4 पानी धोना पड़े। तो निकाल के एक छलनी में रख देंगे और एक साइड में रखेंगे पानी उबलने के लिए एक बर्तन में। तो अगर आपको एक बार में उबालना है तो बड़ा सा बर्तन लें, हमको 2 बार में उबालने हैं, ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं चाहिए। इतने बड़े भगोने में 2 बार में उबल जाएगा, और आधे भगोना से थोड़ा सा ऊपर पानी रखेंगे। जो भी बर्तन आप लेंगे तो आधे से थोड़ा सा ऊपर ही रखें। आपको जितना, अगर 3 बार में उबालना है तो और कम भी रख सकते हैं। और जब पानी बॉयल होने लगे, मतलब इतना पानी लेंगे कि हमारी सारी चिप्स उसमें डूब जाएं, जितनी भी हमें उबालने के लिए रखना है वो पूरी डूब जानी चाहिए, और थोड़ा सा जगह रहनी चाहिए। तो जब पानी उबलने लगेगा तब उसमें चिप्स डालेंगे, ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे, जब पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगा। और देखिए अभी उबल रहा है, तो हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे, गैस की फ्लेम फुल रखेंगे, इसमें फुल रखना है, और चेक करते रहेंगे इस तरीके से। तो इसमें हम नाखून से अपने चेक करेंगे, तो जो चिप्स रहेगी जल रहा है, गरम गरम ही चेक करना रहेगा। तो थोड़ा अच्छे से चेक करें, ताकि हाथ ना जले।
तो ये मेरा भी जल रहा है, तो वैसे चेक कर रहे हैं लेकिन चेक करना भी ज़रूरी है, गर्म ही तो निकाल लेंगे। और इसको हाँ नाखून से जब दबा के देखेंगे तो जब नाखून अच्छे से चला जाएगा और ज़रा सा भी वो जैसे कुरकुरापन होता है या कच्चा आलू कैसे जब नाखून हम लोग उसमें करते हैं प्रेस करते हैं तो एक थोड़ा सा कुरकुरापन आता है, वो ना है, बिल्कुल सॉफ्ट से अच्छे से नाखून हमारा उसमें लग जाए तो समझिए आपकी परफेक्ट उबल गई है चिप्स। और तभी आप इसको निकालें एक छलनी में। और अगर जो थोड़ा सा भी आपको कुरकुरापन लग रहा है या कच्चापन लग रहा है तो 1 से 2 मिनट और ढक के रख दें गैस की फ्लेम फुल करके, और उसके बाद तुरंत निकाल लें। अगर कुरकुरापन रहेगा तो आपके चिप्स काली पड़ जाएंगी, थोड़ी सी भी कच्ची रहेंगी, और थोड़ा ज़्यादा उबाल देंगे तो टूट जाएंगी। तो ये देखिए बार बार चेक करके देख रहे हैं हर तरफ से कि हाँ उबल गई हैं। तो अभी पानी हमारा जो पानी था उसी में ही जो बाकी बची हुई थी आधी, तो आधी उसी में ही डाल देंगे, तो पानी गर्म ही है तो तुरंत उसी में जितनी बची हुई चिप्स थी वो भी सारी डाल देंगे। और 4 से 5 मिनट में ये भी उबल जाएगी। और बार बार चेक करते रहे क्योंकि कभी कभी टाइम लगता है, कभी जल्दी उबल जाती है। तो इस तरीके से छलने वाले बर्तन में निकाल के सारी चिप्स रख देंगे। और उसके बाद देखिए एक कपड़ा फैला लीजिए, साड़ी या पॉलिथीन पन्नी जो भी आपके पास है तो उस पर इस तरीके से फैला देंगे, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के, बिल्कुल चिपका के नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं फैलाएंगे वरना चिपक जाएंगे एक दूसरे से, फिर वो अलग नहीं होंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देके, हर एक चिप्स को फैलाने में बहुत टाइम लगता है। और पंखे के नीचे ये धूप में बिल्कुल नहीं डालिए, रूम के अंदर सुखा रहे हैं और ये रात भर में हो जाएगी, रात का टाइम है और 9-10 बज रहा है, 9-10 बजे तक फैला दिए। देखिए मेरे पास चादर या पर्दा जो भी कह लीजिए वो है, उस पर फैला दी, थोड़ी सी बची थी तो वो इधर आ दूसरे से कपड़े पे फैला दी है। और पंखा चालू करके छोड़ देंगे, पंखे में ही आपको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जिनके यहाँ धूप नहीं आती है, उनको बनाना है तो आप इस तरीके से फैला के सुखा सकते हैं पंखे में, और रात में फैला दीजिए तो कोई हाथ वाथ भी नहीं लगाएगा, पड़ी रहेंगी साफ़ सुथरी। और पंखा चालू करके छोड़ दीजिए। और अब सुबह का टाइम दिखा रहे हैं, रात भर सूखी हैं और सुबह में देखिए सब सूख गई हैं, ये देखिए बिल्कुल सूख गई हैं। और इनको सब इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ी बहुत चिपक जाती तो आराम से थोड़ा सा निकालेंगे इस तरीके से, देखिए आराम से निकल जा रही हैं। तो इस तरीके से आप पंखे में परफेक्ट चिप्स बना सकते हैं, देखिए बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं पड़ी, रूम के अंदर रात में डाल के सो गए और सुबह उठे तो आराम से सारी सूखी सूखी अच्छी से चिप्स मिली। रात में बनाइए और सुबह तुरंत फ्राई करके आप खा सकते हैं इनको। और धूप नहीं है तो हर जगह धूप मिलती भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं मिलती, फ्लैट में धूप नहीं होती है तो कहाँ धूप के बिना फैलाएंगे, तो अपने रूम में ही आप बना सकते हैं इस तरीके से परफेक्ट चिप्स। और बहुत अच्छी से सूख गई हैं और आपको दिखाएंगे, ये देखिए एक डलिया भर के हुई हैं और थोड़ी लाइट की रोशनी है यहाँ पे इस जगह पे तो इसलिए पीली पीली लग रही हैं। तो अब चलिए आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं कि फ्राई करने पे कैसी होती हैं। तो कलर थोड़ा सा वहाँ पे पीला लग रहा था, तो कढ़ाई गरम करेंगे, रखती है गैस पे और इसमें डालेंगे ऑयल, आप कोई भी सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी तेल आप यूज़ करें। और जब गर्म हो जाए तेल तो उसमें चिप्स डाल के इस तरीके से फ्राई करें। और इसमें हमने नमक नहीं डाला था उबालने के टाइम पे, आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं। नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि उपवास में भी यूज़ करना रहता है तो नमक डाल देंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल बिना नमक की बनाई है। और ऊपर से नमक इसमें स्प्रिंकल करेंगे, आप चाहे तो नमक उबलने के टाइम पर ही डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए फ्राई करने पे बिल्कुल सफ़ेद हो रही है, वाइट बिल्कुल हो रही है कि मार्केट में भी इतनी सफ़ेद नहीं मिलती जितनी सफ़ेद ये चिप्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं खुद से। तो इस तरीके से जितनी भी चिप्स आपको बनानी है आप बनाइए और इस तरीके से फ्राई कीजिए, और होली में ज़रूर बनाएं, नवरात्रि में बनाएं। और ये तो खैर हमने बनाई थी शिवरात्रि के टाइम पे, शिवरात्रि के एक दिन पहले बनाई थी क्योंकि सुबह में नाश्ते में खाना रहता है शिवरात्रि के दिन। तो इस तरीके से देखिए बना सकते हैं। और आप नमक अगर यूज़ करते हैं तो आप नमक डालिए इसमें, ऊपर से इस तरीके से नमक डाल सकते हैं। और ये फ्राई शिवरात्रि के दिन, तो बिना नमक का हम लोग खाते हैं, नमक नहीं यूज़ करते, तो ये शिवरात्रि के 3रे-4थे दिन की है। और ऊपर से डाल दिया है चिली फ्लेक्स चाहे लाल मिर्च का पाउडर, तो थोड़ा सा तीखापन भी आएगा। इस तरीके से मिला दीजिए अच्छी तरीके से, और नमक और मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है। अगर आप तीखा नहीं खाते तो थोड़ा सा डालिए, लेकिन ज़रूर डालिए नमक और मिर्च। और इस तरीके से एक प्लेट में निकाल के आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और अच्छी सी वेफ़र्स आप घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाइए। अगर आपके बच्चे बाहर के वेफ़र्स बहुत मांगते हैं तो बाहर के पता नहीं कैसे आलू रहते हैं, कितने साफ़ सफाई से बनाते हैं, तो आप इस तरीके से बना के डब्बे में भर के आप 2 से 3 महीने क्या 4-6 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में रखें, आपकी बिल्कुल नहीं ख़राब होगी, 6 महीने बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। तो आप जब भी बच्चे मांगे आप तल के फ्राई करके उन लोगों को दे सकते हैं, और आप उपवास में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी उपवास, हफ्ते के उपवास पड़ते हैं उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, सोमवार या गुरुवार के उपवास में भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बिल्कुल प्लेन बने हुए हैं, चाय बनाइए और बस चिप्स फ्राई कीजिए और खाइए इस तरीके से। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितनी वाइट बनी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। जिनकी काली पड़ जाती हैं या अच्छी नहीं बनती हैं तो उनकी बहुत अच्छी बनेंगी। बस उबलने का आपको ध्यान रखना है कि कितना उबलने पे आपको समझना है कि किस तरीके से उबालना है कितना। ये देखिए कितनी क्रिस्प हुई हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।